बरगद के पेड़ के नीचे से दलाल स्ट्रीट के सफर तक की कहानी तो आपने देख ली, लेकिन पिक्चर अभी बाकी है दोस्तों। आज के मार्केट एकोस के एपिसोड में हम 1940 से लेकर 1992 तक के स्टॉक मार्केट के सफर को तय करेंगे। तो आइए शुरू करते हैं। इंडिपेंडेंस के पहले का दौर स्टॉक मार्केट के लिए बिटर स्वीट रहा। बड़े उत्साह से स्टॉक मार्केट्स ओपन तो हो रहे थे, लेकिन द ग्रेट डिप्रेशन के चलते उतने ही जल्दी उन पर ताले भी लग रहे थे। जिस देश के लोग बेसिक नेसेसिटीज के लिए स्ट्रगल कर रहे हों, वो शेयर बाजार में क्या ही निवेश करते। इसी भावना के चलते 1947 से लेकर 1957 तक गवर्नमेंट या आम जनता दोनों ने फाइनेंशियल मार्केट्स को डेवलप करने में खास रुचि नहीं दिखाई। लेकिन बॉम्बे की कहानी थोड़ी अलग थी। पोर्ट होने के कारण बॉम्बे ट्रेडर्स के लिए एपिसेंटर था। ट्रेडर्स मिलते गए, सौदे लगाते गए। पॉपुलैरिटी इतनी बढ़ गई थी कि अब इस अनऑर्गेनाइज्ड गैदरिंग को ऑफिशियल मान्यता प्रदान करने का वक्त आ गया था। फाइनली 1957 में बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज को सिक्योरिटीज कॉन्ट्रैक्ट्स रेगुलेशंस एक्ट के अंतर्गत मान्यता प्राप्त हुई। आप शायद ये जानकर चौंक जाएंगे कि इंडिया में सबसे पहले सेंसेक्स नहीं म्यूचुअल फंड्स लॉन्च हुए थे। जी हाँ, 1963 में रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने देश का पहला म्यूचुअल फंड यूनिट ट्रस्ट ऑफ इंडिया लॉन्च किया। 1 जनवरी 1974 में देश के फॉरेन रिजर्व्स को और डिप्लीट होने से बचाने के लिए फेरा यानी कि फॉरेन एक्सचेंज रेगुलेशन एक्ट को लाया गया। इस एक्ट के चलते फॉरेन कंपनीज को देश से डिसइन्वेस्ट करना पड़ा और बड़े ब्रांड्स जैसे कोको कोला और पेप्सिको ने इंडियन मार्केट्स को अलविदा कहा। विदेशी इन्वेस्टर्स की जगह अब मार्केट में एंट्री ली रिटेल इन्वेस्टर्स ने। रिटेल इन्वेस्टर्स की इस एंट्री को और धमाकेदार बनाया 1977 में रिलायंस इंडस्ट्रीज की लिस्टिंग ने। उस वक्त रिलायंस इंडस्ट्रीज रिलायंस टेक्सटाइल्स इंडस्ट्रीज के नाम से जानी जाती थी और कंपनी ने 28 लाख शेयर्स इशू किए थे एट ₹10 ईच। देश में फाइनेंशियल मार्केट्स की प्रगति हो रही थी, लेकिन इसे नापने का कोई तरीका नहीं था। इसी के चलते 1986 में देश के चहीते इंडेक्स BSE सेंसेक्स का जन्म हुआ। इस नाम को कॉइन किया था दीपक मोहनी नामक एक एनालिस्ट ने, और ये नाम सेंसिटिविटी इंडेक्स को मिक्स करके बनाया गया था। सेंसेक्स की बेस वैल्यू 100 और बेस ईयर 1978-79 रखा गया। पहले सेंसेक्स को मार्केट कैपिटलाइजेशन वेटेड मेथोडोलॉजी के अनुसार कैलकुलेट किया गया था, लेकिन 1 सितंबर 2003 से सेंसेक्स को फ्री फ्लोट मार्केट कैपिटलाइजेशन मेथड से कैलकुलेट किया जा रहा है। 1987 में देश का दूसरा फंड SBI म्यूचुअल फंड की रचना हुई। इसी साल इन्वेस्टर प्रोटेक्शन फंड बनाया गया टू सेफगार्ड रिटेल इन्वेस्टर्स। 25 जुलाई 1990 में सेंसेक्स ने पहली बार 1000 का आंकड़ा क्रॉस किया था एंड इट क्लोज्ड एट 1001 ओइंग टू गुड मॉनसून्स एंड ग्रेट कॉर्पोरेट अर्निंग्स। लेकिन ये खुशी ज्यादा दिन टिक नहीं पाई। 21 मई 1991 में प्राइम मिनिस्टर राजीव गांधी के असैसिनेशन और बैलेंस ऑफ पेमेंट डेफिसिट के चलते द स्टॉक मार्केट क्रैश्ड। प्राइमरी मार्केट्स को सबसे बड़ा धक्का लगा एज द अमाउंट रेज बाय प्राइवेट कंपनीज वाया न्यू इश्यूज क्रैश्ड फ्रॉम ₹2,793 crores इन 1989-1990 टू ₹1,704 crores। 15 जनवरी 1992 में सेंसेक्स क्रॉस द 2000 मार्क एज देन फाइनेंस मिनिस्टर डॉक्टर मनमोहन सिंह ओपन्ड अप इंडियाज इकोनॉमी टू द वर्ल्ड एंड ब्रॉट इन प्राइवेटाइजेशन। महज 46 दिनों बाद 29 फरवरी 1992 में सेंसेक्स ने 3000 का रिकॉर्ड तोड़ा। एक और महीने बाद सेंसेक्स 4000 के पार जा चुका था। देश में खुशी का माहौल था। इट लुक लाइक इंडिपेंडेंट इंडिया वॉज फाइनली विनिंग। लेकिन हर कहानी में एक विलेन होता है। इस कहानी में भी था। 23 अप्रैल 1992 में जर्नलिस्ट सुचेता दलाल ने द टाइम्स ऑफ इंडिया में हर्षद मेहता द्वारा किए गए स्टॉक मैनिपुलेशन और इंडियन बैंकिंग सेक्टर में हो रही धोखाधड़ी को एक्सपोज किया। कहा जाता है हर्षद मेहता लूटेड द इंडियन बैंकिंग सिस्टम बाय $3.8 billion। इंडियन स्टॉक मार्केट्स ड्रॉप्ड 40% एंड इट रिजल्टेड इन अ बेयर मार्केट that would last 2 years.
हर्षद मेहता का स्कैम जिसने पूरे देश को हिलाकर रख दिया, उसकी कहानी हम जानेंगे मार्केट एकोस के नेक्स्ट वीडियो में। मिस मत कीजिए, कहानी बहुत एक्साइटिंग इंटरवल तक आ पहुंची है। सी यू इन द नेक्स्ट एपिसोड। Investments in the securities market are subject to market risk. Read all the related documents carefully before investing.